तो मोहिनी एकादशी क्या होता है पंडित जी? मोहिनी एकादशी के बारे में आपने पूछा है, तो सबसे पहले जानिए कि एकादशी कितना होता है और कब कब होता है। सबसे पहले महीना में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों पक्ष मिलाकर के साल में 24 एकादशी होता है, और जब मलेमास जब पड़ती है तो दो एकादशी और बढ़ जाता है, 26 एकादशी होता है। तो 24 एकादशी में सबका अपना अपना महत्व है, जिसमें अभी जो वर्तमान में 19 मई 2024 को एकादशी आने वाला है, उस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का मतलब है कि एक ऐसा एकादशी जिस पर पाप पर विजय की प्राप्ति। आप हम दिन रात कुछ न कुछ अपने कर्मों के द्वारा पाप करते ही हैं, झूठ बोलकर, फरेब कर, कुछ जो हर कुछ के पाप होता ही है। कहता है पाप से मुक्ति के लिए, इसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये मोहिनी एकादशी का व्रत जो है सबसे उत्तम माना जाता है। अब इस एकादशी के लिए सबसे पहले कहा गया है कि जो व्यक्ति यह एकादशी करेंगे वह 1,000 गाय दान के बराबर जो पुण्य होगा, वह पुण्य आपको द्वारा एक मोहिनी एकादशी करने पर होगा। तो समझिए कि यह मोहिनी एकादशी कितना महत्व रखता है। वैसे तो सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, सभी एकादशी अपने में अनुपम है, या नहीं कहा जा सकता को किसी से कम है। किसी भी एकादशी को करने से कुछ लाभ हमको नहीं मिलेगा, सबके लाभ मिलेगा। प्रत्येक एकादशी में भी मोहिनी को छोड़ करके उसमें भी आपके हमारा द्वारा जो पाप होता है उस पर उसका नाश होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर ये जो मोहिनी एकादशी है इसको गाय से तुलना किया गया कि 1,000 गाय के दान से जो पुण्य मिलेगा वह पुण्य मोहिनी एकादशी करने से मिल जाता है, जो 19 मई 2024 वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को है। सबसे पहले कोई भी एकादशी हो हमें चावल का वर्जित करना चाहिए, अपने खान पान का ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा खान पान होगा वैसा हमारा मन और चरित्र होगा। चावल वर्जित इसलिए कहा जाता है कि चावल खाने से नींद आती है, और आप खा पी के सो गए तो आपका उपवास भंग हो गया, टूट गई, इसलिए चावल वर्जित माना जाता है कि आप पलक भी न झपकें। उपवास तो उपवास है, मन तन सबका उपवास। इसके साथ साथ इसमें कुछ दान पुण्य करने के भी प्रावधान है। तो एकादशी है तो भगवान विष्णु का दिन है, और भगवान विष्णु हमारे पीत वस्त्र धारण करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि पीला वस्त्र धारण करें, पीला वस्त्र का दान करें, पीला भोजन का दान करें, पीला फल का दान करें, पीला वस्तु खरीदें भी, जैसे सोना भी खरीद सकते हैं आज के दिन 19 मई 2024 को, क्योंकि पीले वस्तु का दान है और खरीद भी है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है, तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, जो पाठ अपने आप में एक अलौकिक और अनुपम है। यह पाठ से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सब कष्ट क्लेश दूर होगा, और जो भी हमारे द्वारा कुकृत्य है उस कुकृत्य का भी नाश होगा, और पुण्य का भागीदार हम बनेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सभी जो इसमें उपवास करते हैं, कि आज हम जो एकादशी तिथि है उसका प्रवेश और उसका जो समाप्ति है इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पंडित जी से पूछ लिए, पंडित जी एकादशी कब है, तो पंडित जी ने कहा कि एकादशी 19 मई 2024 को है, परंतु एकादशी तिथि प्रारंभ कब से है इसका महत्व हमने नहीं जाना, इसके बारे में हमने नहीं पूछा। कभी काल ऐसा होता है कि सूर्योदय के बाद से 1 घंटे के बाद से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाता है, या सूर्योदय के पहले हो जाती है। तो अगर पहले हो या बाद हो, फिर भी एकादशी तिथि को जो डेट दिया गया है इसमें पारण करने के लिए सबसे उचित समय को देखा जाता है कि आप द्वादशी तिथि में ही पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत करने वाले लोग पारण कब कर पाएंगे, किस चीजों से करेंगे? तो जैसा कि हमने आपको कहा
कि एकादशी तिथि को उपवास होती है और द्वादशी तिथि में पारण होता है। 19 तारीख को एकादशी तिथि जो है मिथिला पंचांग के अनुसार 1:25 तक ही है, तो जिसका उदय उसका अस्त। तो 19 तारीख को उपवास सूर्योदय से ही स्नान करने के बाद प्रारंभ हो जाएगा और 20 तारीख तक ये उपवास चलेगी। जैसे ही सूर्योदय हुआ उसके बाद आप स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान का भोग लगा करके आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि उस टाइम में मौजूद रहेगी जो कि 3:17 तक 20 तारीख को है मिथिला पंचांग के अनुसार। पंचांग के अनुसार यह समय वैरी करता है, मिथिला में बनारसी से काशी से हनुमान पंचांग सभी पंचांग में वैरी करता है। इसके साथ साथ जगह जगह पर भी यह टाइम वैरी करता है, क्योंकि अक्षांश देशांतर सबका अलग अलग है, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड अलग अलग है, इसलिए पतरा का टाइम जो है वो वैरी करता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त को माने, सूर्योदय के समय सूर्य प्रारंभ करना है और दूसरे दिन 20 तारीख को सूर्योदय के समय के बाद जो है हमें पारण कर लेंगे। तो यह जो एकादशी है आपको वैभव संपदा लक्ष्मी की प्राप्ति विद्या की प्राप्ति सभी कष्ट क्लेश को दूर करे। जहाँ तक विद्यार्थी जो हैं वह इस उपवास को अगर करते हैं एकादशी उपवास को करते हैं उनके अंदर संस्कार जगेगी और विद्याध्ययन करने में मन लगेगा और विद्या की प्राप्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति वो जल्द से जल्द कर लेंगे, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक तिथि होता है। चाहे मोहिनी एकादशी आप कीजिए या साल का 24 एकादशी कीजिए, यह आपको लाभ ही लाभ देगा जी। पंडित मनोत्पल झा का हर हर महादेव।